हार्डनेस आप कम रखेंगे, ये कहलाएंगे इसके सॉफ्ट एजेस। क्या कहलाएंगे? एजेस मतलब किनारे उसके सॉफ्ट रहेंगे। फिर जैसे जैसे हार्डनेस को बढ़ाते जाएंगे, वो किनारे इसके सिमटते जाएंगे और शार्प होते जाएंगे, और फाइनली वो इतने शार्प हो जाएंगे कि वो इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह जब भी आप ब्रश को यूज करेंगे तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कि दो चीजें, एक उसका साइज और दूसरी उसकी हार्डनेस। जितनी हार्डनेस रखेंगे उतने कॉर्नर शार्प आएंगे और उतना ही रिजल्ट आपके कोने ज्यादा दिखाई देंगे, और जितना उसका हार्डनेस आप कम रखेंगे उतना वो सॉफ्ट कॉर्नर ब्रश होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता कलर्स के अंदर ब्लेंड हो रहा होगा। शार्प कॉर्नर वाला बिल्कुल अलग से दिखाई देगा, जबकि सॉफ्ट एजिस वाला जो ब्रश होगा वो कलर्स में आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, अभी इसको मैं अंडू कर देता हूँ, तीनों अंडूस कर दिया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है फिर? अगर हम इसको घुमा रहे हैं, इसको इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये ब्रश की डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले तो ब्रश गोल आ रहा था, अब देखिए ब्रश इस तरह का आएगा, और अगर आप इसको पकड़ के इस तरह से कर देंगे तो अब ब्रश ऐसा आएगा, और इसको आप थोड़ा सा और ऐसा कर देंगे तो ये देखें इस तरह का ब्रश इजीली क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपको कहीं पे हल्का सा शेड दिखाना है नीचे से, तो आप इसकी हार्डनेस को कम कर लें और यहाँ पे देखिए इस तरह से शो कर सकते हैं। और अगर हम इसके कलर्स को थोड़ा ग्रे पे रख लें क्लिक करके यहाँ से, तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई होगा। मतलब पहले ब्रश ऐसे गोल था, अब ये ब्रश ऐसे हो गया है और इस तरह से चल रहा है, अभी भी गोल ही, लेकिन ये इस तरह से। फिर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना है, सीधा करना है, गोल करना है, वो आप उसको यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आगे कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको ये देखना आपको मिलेगा कि ब्रश को हम ऐसे लिटा के कैसे यूज करते हैं, हल्का सा शेड्स देने के लिए या नीचे कोई चीज हल्की सी डिजाइन करने के लिए, क्योंकि हर जगह पे गोल ब्रश नहीं चल रहा होता, तो इस तरह से ब्रश की डायमेंशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में दोबारा से आपको इसको गोल करना है तो फिर इसको आप दोबारा से खींच के ऐसे लंबा कर लेंगे, स्टिक करेंगे, रोटेशन है ये, इसको स्क्यू जितना करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं ब्रशेस के अंदर, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है ऑपेसिटी और फ्लो। ऑपेसिटी और फ्लो क्या चीज है? देखिए इसको समझने के लिए, चाहे ब्रश कोई सा भी हो, देखिए ब्रश फोटोशॉप का जो मेन एलिमेंट है वो ब्रश। ब्रश आपको कितने टूल्स के साथ मिलता है? ब्रश पेंसिल के साथ, कलर रिप्लेसमेंट के साथ, मिक्सर ब्रश के साथ, और फिर यही ब्रश आपको मिल रहा होता है इरेजर के साथ। देखिए यही ब्रश है, ये ऑप्शन है, तो ब्रश आपको समझ में आना चाहिए, तो बाकी चीजें तो आप उसकी खुद ही कर ही लेंगे। तो ये ब्रश लिया हमने, इसको थोड़ा सा हटा दिया। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई ये जो ब्रश होता है ये आप जब चला रहे होते हैं तो ऑपेसिटी में और फ्लो में क्या फर्क है? तो यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं ब्लू, और अब जब मैं इसकी ऑपेसिटी फुल रख रखी है और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वन टाइम होल्ड है और ये सीधा लेके जा रहा हूँ, वन टाइम होल्ड है और सीधा क्लिक किया, अब वन टाइम होल्ड है सीधा गया हूँ, क्लिक होल्ड ही है, और बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, तो कलर अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उसी में मौजूद है, कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं दो तीन दफा उसको बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ, यानी कि हम आसान पेंटिंग के अल्फाज में कहेंगे दो हाथ लगा रहा हूँ, तीन हाथ लगा रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, फर्क कोई नहीं आ रहा। ओके, ये मैंने इरेजर लिया और उसको रिमूव कर दिया, लेकिन जैसे ही आप ब्रश लेके और उसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब मैं ऑपेसिटी को कर रहा हूँ 50%। ठीक है, तो अब एक एक हाथ लगा रहा हूँ वन टाइम में, ठीक है, और ऑपेसिटी अब कर रहा हूँ मैं 25%। अब एक हाथ लगा रहा हूँ वन टाइम में और ऑपेसिटी 52 हो गई थी, 25 नहीं, 25%। और अब देखिए एक हाथ लगा रहा हूँ वन टाइम में, तो जैसे जैसे ऑपेसिटी कम करता जा रहा हूँ कलर की स्ट्रेंथ डेंसिटी हल्की होती जा रही है। मतलब वही कलर, उसी का लाइट, उसी का लाइट, उसी का लाइट, उसी का लाइट, उसी का लाइट होता जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी किसी ब्रश की आप ऑपेसिटी कम करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। अच्छा, अब कलर ब्रश में तो ऐसा हो रहा है, इरेजर ब्रश में क्या होगा? जब इरेजर ब्रश पर आप ये ऑपेसिटी कम करेंगे, इरेजर यही है, और ऑपेसिटी आप उसकी अगर 100% रख रहे हैं, तो अभी देखिए मैं एक वन यूनिट लगा रहा हूँ और एक ही हाथ में देखिए इसमें से क्लीन कर दिया। अब मैं इसकी ऑपेसिटी को कम करके 50% कर रहा हूँ,
तो एक हाथ में उसने इसको कम किया है, देख रहे हैं? दूसरा हाथ लगा रहा हूं और हल्का कर दिया, तीसरा हाथ लगा रहा हूं और हल्का कर दिया, चौथा हाथ लगा रहा हूं और हल्का कर दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो इसको हल्का कर रहा है, ये ऑपेसिटी कम करने से हो। सिमिलरली अगर आप ब्रश लेके ऑपेसिटी कम करके एक हाथ लगाएंगे और उस पे दूसरा हाथ लगाएंगे, क्लिक होल्ड कर रखा है मैंने, क्लिक नहीं छोड़ा है, तीसरा हाथ लगाएंगे तो देखिए कलर में कोई फर्क नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर आप क्लिक को छोड़ेंगे और फिर से क्लिक करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है?